वाईएनटी न्यूज़, आप देख रहे हैं वाईएनटी नेटवर्क, नई सोच नई खबर के साथ। ऑर्चिड मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और मैक्सवीन ह्यूमन फाउंडेशन की तरफ से कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए अलग अलग कार्य क्षेत्र से आने वाले समाज सेवियों को मैक्सवीन संस्था ने एक कार्यक्रम आयोजित कर कोरोना वॉरियर सम्मान चिन्ह और पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान किया और भविष्य की शुभकामनाएं दी। मैक्सवीन संस्था के संस्थापक वारसी ने हमसे बात करते हुए कहा कि हमारी संस्था कई सालों से समाज के हित में काम करती आ रही है। कोरोना काल में हमने देखा कि लोग कितनी परेशानी से गुजरे। उस वक्त में अपनी जान को दांव पर लगाकर कुछ पत्रकार, एनजीओ, समाज सेवी ने बेहतरीन कार्य किया। उनका सम्मान करना हमारे लिए गर्व की बात है कि हमें मौका मिले इन लोगों से रूबरू होने का। सम्मानित पत्रकारों ने भी संस्था का धन्यवाद करते हुए कहा कि जब आपको समाज कल्याण में किए गए कार्य पर सम्मानित किया जाता है तब खुशी होती है। वहीं पत्रकार साबी शेख ने कोरोना काल में अपनी आप बीती कहानी सुनाई, कैसे पत्रकारों को समाज कल्याण हेतु सवाल उठाने पर उन पर ही लगाम लगाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन पत्रकार कभी इन विवादों से घबराते नहीं, अपना काम करते रहते हैं। आइए जानते हैं क्या कहा पत्रकारों ने। मेरे दो छोटे बच्चे हैं और जिस वक्त मैं घर से निकला करता था उस वक्त का जो माहौल था बहुत ही डरावना माहौल हुआ करता था। मीडिया ने इतना डरा कर रखा था हर आम आदमी को कि वो घर से बाहर निकलता है तो उसको पुलिस का सामना करना पड़ता है या किसी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। तो पूरी तरह से दरवाजे बंद हो गए थे, गली रास्ते मोहल्ले, मैंने अपनी इन खुली आँखों से देखा हो कि मीरा भाईंदर शहर में पूरा सन्नाटा हुआ करता था। एक कोने से लेकर दूसरे कोने पर सिर्फ पुलिस ही दिखाई देती थी और रास्ते में कोई नहीं दिखाई देता था। इस तरह का जो माहौल था वो बहुत ही गजबनाक माहौल था और उस माहौल में जब हम लोग काम करते थे तो हमें भी डर रहता था कि जब हम लोग काम करके घर जाते हैं, घर लौटते हैं, न जाने हमें कहां पर कोरोना वायरस से हम लोग बाधित हुए हैं। या ह्यूमन केयर फाउंडेशन ने इन जिन लोगों को आज सम्मानित किया है इसके चलते मैं मैक्सवीन ह्यूमन केयर फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और मैं साथ में अपील भी करता हूँ कि मीरा भाईंदर शहर में ऐसी बहुत सारी सामाजिक संगठनाएं हैं, समाज सेवी संस्थाएं हैं जो शहर में रहती है, शहर के भलाई के लिए काम करती है, ज़रूरतमंदों तक पहुंचती है, तो वो भी ऐसी संगठनाएं आगे आए और कोरोना काल में जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने लोगों को मुसीबत से बचाया है, लोगों को उनका हक दिलाया है, ऐसे लोगों को वो भी सम्मानित करे और वो भी आगे आए। पत्रकारों पर मामले दर्ज होना ये कोई नई बात नहीं है और मैं कोई बहुत बड़ा पत्रकार नहीं कि मेरे पर भी मामला दर्ज हुआ है। बात जो होती है कि सच्चाई की, सच्चाई को अगर हम लोग उजागर करते हैं तो उस उजागर करने के बाद में किसी ना किसी का दिल दुखता है, चाहे फिर वो पॉलिटिशियंस हो या फिर ब्यूरोक्रेट्स का कोई ऑफिसर हो, उनका दिल दुखता है, उन्हें ठेस पहुँचती है कि इन्होंने हमारी कमज़ोरी को बाहर लेकर आया। तो अब वो पावर्स में है तो पावर्स में रहने के बाद में उनका हक बनता भी है कि वो उसका बदला ले। तो जिस तरह से बदला लिया जाता या बदले की भावना से पत्रकारों पे अगर कोई ऐसे एफआईआर होते हैं तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए। हालांकि उस वक्त जब मेरे पर एफआईआर हुआ था, मेरे पर तकरीबन अब तक दो एफआईआर हो चुकी है खबरों के माध्यम से ही, तो उन एफआईआरों से ठीक है वो मैं उसको फेस कर लूँगा, जैसे भी है कोर्ट में, माननीय न्यायालय में मैं उसको फेस कर लूँगा। लेकिन हम लोगों का जो हौसला तोड़ने की जो कोशिश की जाती है एफआईआर करने के माध्यम से, तो ऐसी कोशिशों से बचना चाहिए। उन नेताओं को जिनके मन में काला हो, जो मन में ऐसा कोई खोट रखते हो कि पत्रकार ने मेरे खिलाफ़ में बोला है या मेरे खिलाफ़ में कोई खबर बाहर लाई है और जिसकी वजह से उसकी बदनामी हो रही है, तो ऐसे नेताओं को भी बचना चाहिए, यही मैं उनसे सलाह दूंगा। और खैर पत्रकार है, पत्रकार अगर अपना ईमानदारी से काम करता है, अपनी हर न्यूज़ को वो न्याय देता है, तो ऐसे एफआईआर तो होते रहते चलता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हमको जो प्रोग्राम किया है उसके माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी लोग कोरोना काल में जो पेशेंट को, जो सोसाइटी को, जो भी अपने है जो लोगों को, उनको अच्छे से सेवा कैसे दिए, जो हमने बहुत सारे लोगों को कोरोना अवार्ड देकर ये प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आगे आने वाले लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलके ये कोरोना काल में आके मिलके काम करें, और हमने और ह्यूमन मैक्सवीन फाउंडेशन मिलके ये कोरोना अवार्ड किया है, उसके अंदर हमने पत्रकार, कुछ सिलेक्टेड पत्रकार, कुछ पुलिस वाले, कुछ समाज सेवक, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ को किया, लेकिन सबको हम नहीं दे पाए, लेकिन हम ये आगाज़ किया है कि सब लोगों को उसी तरह से सम्मानित करें और ये आगे जाके अच्छे से सम्मान करें और आगे इनकी देखे आगे के लोग भी उनके लिए प्रोत्साहित करें। मेरा नाम शाहबुद्दीन वारसी है, मैं मैक्सवीन ह्यूमन केयर फाउंडेशन का नेशनल प्रेसिडेंट एंड फाउंडर हूँ।
सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग इस प्रोग्राम को आए और जन जन तक पहुँचाने का आप लोग काम कर रहे हैं। हमारा मकसद ये प्रोग्राम करने का ये है कि कभी भी देश के ऊपर कोई भी इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो लोग घर में दुबक के रहते हैं और लोगों के साथ के लिए, सपोर्ट के लिए आगे बढ़ के नहीं आते हैं। आज ये कोरोना महामारी बहुत ही बड़ी एक ट्रेजेडी थी, जिसमें जो लोग समाज के लिए आगे बढ़ के आए, जो लोगों ने समाज के हित के लिए कार्य किया, आज मैक्सिम ह्यूमन केयर फाउंडेशन एंड ऑर्चिड ग्रुप, ऑर्चिड मल्टीपल स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने मिल के उन कोरोना वॉरियर को, उन जाबाजों को हमने सम्मानित करने का कार्य किया है, जिन्होंने समाज के लिए अच्छी बेहतर के लिए सोचा है और आगे बढ़ के दो कदम बढ़ के समाज के लोगों को सपोर्ट किया है और सहायता किया है। अच्छा लगता है, और मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूँ कि एक पत्रकार से अच्छा समाज सेवक शायद कोई नहीं हो सकता है, और हम लोगों ने वो काम किया रही, हमने जो हमें आज मान सम्मान संस्था ने दिया तो हमें भी अच्छा लगता। सबसे पहले मैं इस संस्था को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इतने लोगों में उन्होंने हमको चुना। हमने जिस तरह से पहली कोरोना की लहर थी और दूसरी कोरोना की लहर थी उसमें काम किया, और काबिले तारीफ है ऐसे समय में काम करना। जिस तरह से लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे लेकिन हम रोज़ घर से निकलते थे, और हमारे पेरेंट्स जो हमारे परिवार है वो काफ़ी हमसे नाराज़ हुआ करते थे कि इतने संकट में घर से बाहर मत निकला करो, लेकिन फिर भी हम लोगों ने निकले, काम किए। आज जिस तरह से समाज के लोग आगे आकर हमको सम्मानित कर रहे हैं, सचमुच आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और हम आगे भी इसी तरह से काम करते रहेंगे। ऐसे कार्यक्रमों में जब आपको सम्मान मिलता है तो इससे एक अलग तरह की प्रेरणा मिलती है, और सिर्फ मैं ही नहीं, इस जो प्रोग्राम है इसमें जो लोग भी जिनको भी सम्मानित किया गया वो सब इसी तरह से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कोरोना काल में सभी लोगों ने काम किया, मेरा ऐसा मानना है, और सभी लोगों की मेहनत की वजह से, चाहे वो पत्रकार हो, पुलिस हो, डॉक्टर हो और आम नागरिक हो, इनकी वजह से हम कोरोना को, जो पहली लहर थी और दूसरी लहर थी, उसे हराने में कामयाब रहे और उससे बाहर निकल पाए। तो सम्मानित होकर यकीनन बहुत अच्छा लग रहा है, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी, जब भी ओमिक्रॉन को लेकर आशंकाएं जताई जा रही है, उससे भी हमारा समाज, पुलिस, पत्रकार और प्रशासन उसी मुस्तैदी से लड़ेगा जिस तरीके से पहले और दूसरी लहर में हमने इसका सामना किया था। आइए जानते हैं क्या कहा समाज सेवकों ने। ये एक मोटिवेशन है, हमारा मनोबल बढ़ाता है, और मैं कहूँगी कि ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, ये पूरे हमारे मीरा भाईंदर में एक, जब कोरोना की एक महामारी हमारे देश के ऊपर आई थी और मीरा भाईंदर वासी जी जो इसे लड़ रहे थे, उसमें सभी लोग अपने अपने स्तर पे काम कर रहे थे। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एक वक्त ऐसा था कि सड़क पे कोई नहीं दिखता था, जब हम चंद लोग दिखते थे। तो ये जो अवार्ड है, वाकई में उस समय हमने काम किया है, मैं नहीं कहती कि उसके लिए मैंने ये अवार्ड के लिए काम किया है, पर हाँ, आज इसने मुझे, मेरा और मनोबल बढ़ाया है कि मैं आगे जाके भी ऐसे ही कुछ करूं। और मेरा ही नहीं, मैं कहूंगी कि अभी समाज पे यदि और भी कुछ आता है आगे, जैसे ओमिक्रो जो चल रहा है, तो सभी को जागरूक होना चाहिए और एक काम करना चाहिए समाज के प्रति। आज जो अवार्ड है, ये लोगों ने हमारे काम को देखा है, हम सबके काम को देखा है, तो ये काम हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि इस तरह के हालात पैदा हो गए थे कि हमें कहीं ना कहीं बाहर सड़क पर निकलना पड़ा, और ये हर समाज में हर इंसान की जिम्मेदारी होती है। बस हम लोगों ने एक छोटा सा एक हिस्सा हम लोग हैं उस समाज का, और हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हम लोग ऐसी कोई भी संकट आता है तो हम लोग इसी जिम्मेदारी को निभाएंगे। मेरी पूरी टीम है सारथी फाउंडेशन की, हम लोगों ने पूरी टीम के साथ काम किया था, दीपक शर्मा जी हैं हमारे, रमाकांत पुरोहित जी, बाबूलाल जी, और भी मेरे काफ़ी लोग हैं। जो मैं और एक बात कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि एक समय ऐसा था कि हमारे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे जी हमें ब्लड की कमी के कारण बार बार आह्वान कर रहे थे कि रक्तदान का कैंप लगाए, तो मैं बहुत प्राउड से कहूँगी कि सारथी फाउंडेशन ऐसा पहला फाउंडेशन था कि जिन्होंने कोविड 19 में जहाँ सड़क पर लोग नहीं दिखते थे, और हम लोग ने ब्लड कैंप के 3 कैंप लगाए, राजीव गांधी ब्लड कैंप को लेके,
और मैं इसके लिए आज नवघर के अधिकारी बिराजदार सर का मैं अभी शुक्रिया अदा करती हूँ। अभी वो नहीं है यहाँ पे, उनका बदली हो गई होगी, ट्रांसफ़र हो गया शायद, पर मैं ये कहूँगी कि उन्होंने मुझे एक वचन दिया था कि आपके जितने भी डोनर आ रहे हैं उनको हम लोग मेरा नंबर दे दीजिए और मुझे फ़ोन करवाइए यदि कोई उन्हें रोकता है तो, क्योंकि उस समय के हालात माहौल वैसे पैदा हो गए थे। तो इस तरह की हमने बहुत चीज़ों को हमने फेस किया है। बुरा भी लगता था कि जब हम जाते थे किसी झुग्गी झोपड़ी में अनाज लेके तो वो लोग हमारा इंतज़ार करते थे। बच्चे जिस तरह वो बदन पे कपड़े नहीं थे, नंगे पैर थे, तो कहीं ये बहुत झंझोर देती है ऐसी चीज़ें। ज़िंदगी में बहुत लंबा सफ़र हमने सामाजिक क्षेत्र का पूरा किया है तो कुछ कुछ चीज़ें हमें हिला देती है। नमस्कार, धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र स्टेट का खजिनदार हूँ। आज जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है वो बहुत ही सराहनीय है, जहाँ पे पत्रकार भाइयों को और डॉक्टर्स को इन्होंने सम्मानित किया है, क्योंकि ये लोग सच में कोरोना वॉरियर्स थे, क्योंकि इन्होंने कोरोना के पीड़ित को देखा नहीं, सीरियस है नहीं है। पत्रकार भाई भी जगह जगह जाके न्यूज़ कवर की, हमारे पुलिस कर्मचारी है, हमारे म्यूनसिपालिटी के कर्मचारी है, और उसके बाद जो पीड़ित हॉस्पिटल में आता था या क्लिनिक पे आता था उनको डॉक्टर्स ने ट्रीट किया। तो ये सबको जो प्रशंसा की गई वो सराहनीय है। स्वार्थ समाज सेवा करता है उसके लिए ये एक तरीके का प्रेरणा है, और उसके काम को देखते हुए बाकी के नई पीढ़ी को ऐसा लगेगा कि चलो हमने भी कुछ योगदान करना चाहिए। इस तरीके का कार्यक्रम होना चाहिए और शहर में होना चाहिए। मैंने जो काम किया वो करीब लगभग दो साल हो गए, अपने गाड़ी में एक्टिवा में पेट्रोल डालकर मैंने मीरा भाईंदर के लगभग 41 झोपड़पट्टियों में मैं लाउडस्पीकर लगाकर घूमा हूँ, प्रचार किया, क्योंकि सरकार के जो भी आदेश थे वो मराठी में थे, प्रशासन जो भी आदेश दे रही थी वो भी मराठी में थी। मैंने वो घर घर में हिंदी में पहुंचाने का कोशिश किया, विशेष करके परप्रांतीय जो हाईवे के माध्यम से बिहार या यूपी जा रहे थे उनको रोक कर सरकार की जो योजना है वो घर घर पहुंच कैसे पहुंचे वो मैंने बताने की कोशिश की और लोगों को जागृत किया, ताकि सार्वजनिक शौचालय में जाने के बजाय आप अगर अपने घरों में शौचालय रखें उसकी क्या महत्व है, कैसे ये फैलेगी, उसके घर घर में जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो फैल रही थी उसको मैंने बताने की कोशिश की है। और एक मैंने लोगों में ये चीज़ को दिखाने की कोशिश की, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे सब बंद थे, तो उसके बाहर जो भिखारियाँ बैठते हैं, जो भीख मांगने वाले जो गरीब अपंग या गरीब लोग जो बैठ कर जो भीख मांगते थे उनको मैंने किस तरह से खाना पहुँचाने का काम मैंने किया, वो लोगों को बताने का जो मैंने कुछ संस्थाओं ने मुझे याद किया और आज यहाँ पर बुलाया, मुझे सम्मानित किया, ये उन नए पीढ़ी के लिए मेरा गौरव जो भी है वो नई पीढ़ी का मैं केवल आँख खोलने की कोशिश की, इतना मैं बताना चाहूँगा।